तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। वो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। इस वीडियो के साथ मैं अपना एक नया प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैं AI से जुड़ी हर एक चीज को बहुत ही सिंप्लीफाइड और डिटेल्ड वर्जन में समझाने वाला हूँ। जैसे कि AI क्या है, ये कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब क्या है, बेस्ट AI टूल्स इंटरनेट में कौन कौन से मौजूद हैं, फ्री कौन से हैं, पेड कौन से हैं, और इन सभी AI टूल्स के ट्यूटोरियल्स को भी लाऊंगा। और इन सबके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप AI की मदद से घर बैठे बहुत सारे पैसे आसानी से कैसे कमा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस प्लेलिस्ट के साथ, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के बाद आप सब AI एक्सपर्ट्स बन जाओगे और दुनिया से एक कदम आगे रहोगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि AI क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सुनो, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को खुद से ही सीखने और सोचने की ताकत देती है। मतलब मशीन खुद से ही अपने से चीजों को सीख सकते हैं, सोच सकते हैं और उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस पूरे चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी सोचो सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप कैसे चलते हैं? जवाब है AI। AI क्या करता है, वो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करता है और अपने पास्ट पैटर्न्स को देखकर रियल टाइम में बहुत सारे कैलकुलेशंस के बेस पर नेक्स्ट मूव क्या होगा उसका डिसीजन लेता है। और ये सब करने की कैपेसिटी सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही हो सकता है, क्योंकि उसे डिजाइन ही इस तरह किया जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलो इसे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपने एक AI को पूछा कि भाई बताओ कल का वेदर कैसा होगा, तो वो क्या करेगा, अपने पास जितना भी डेटा है वो सारे डेटा को एनालाइज करेगा और पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, इस तरह के वेदर हो चुके हैं, तो उन वेदर्स को देख के, उन पैटर्न्स को समझ के वो नेक्स्ट मूव यानी कल का मौसम कैसा होने वाला है वो सब प्रेडिक्ट कर लेगा। आप सोच रहे होगे AI तो कोई इंसान नहीं है तो वो एनालाइज कैसे करता है, तो वो एनालाइज एल्गोरिथम्स के थ्रू करता है। एक AI के अंदर जितना ज्यादा डेटा होगा वो AI उतना ही स्मार्ट बनता जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे है कि ये मशीन इतने स्मार्ट बनते कैसे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसे मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, तो बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि मशीन लर्निंग उसके लिए एक सुपर लर्निंग पावर की तरह काम करती है और न्यूरल नेटवर्क्स उसके लिए एक सीक्रेट ब्रेन की तरह काम करती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इससे भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा दूंगा, जिससे आप AI एक्सपर्ट बन जाओगे। और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो यार, और लोगों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।